गलिबा पहली फसल जो है वो फजीलत निकाह कहें हैं या आदाब निकाह में थी और दूसरी फसल जो है वो अकद के बारे में थी तीसरी फसल जो है वो मुहर्रमात के बारे में है यानी वो कौन सी औरतें हैं जो मर्द पर हराम हैं मर्द उनके साथ शादी नहीं कर सकता तो औरतों का हराम होना तीन तरीक़ों से हो सकता है या नसब के ज़रिए यानी खूनी रिश्ते के ज़रिए या जो वो दूध पीने की वजह से यानी किसी औरत का दूध पिएगा या फिर ऐसा है कि इन दो सबब के अलावा कोई तीसरा सबब होता है मसलन दामाद वगैरह होना अगर एक औरत आपके लिए नामहरम है आपने उसकी बेटी के साथ शादी कर दी तो वह औरत अब आपके लिए महरम बन जाएगी तो ये तीन उनवानात हमने रखे हैं यानी मुहरमत नसब के ज़रिए मुहरमत दूध पिलाने के जरिए मुहरमात इन दो सबब के अलावा किसी और जरिए से तो मजीद फसल मरीज बलफ़ल मुहर्रमात तीसरी फसल मुहर्रमात के बारे में है बेनस्ब व रजाए वह औरतें हराम बनती है नसब के ज़रिए हसब नसब जिसे कहते हैं यानी न खूनी रिश्ते के ज़रिए व रज़ाए या दूध पीने के ज़रिए व गैर हिमा या नसब और रजा के लवा कुछ और असबाब की वजह से व तो हा और इस फसल में मुहर्रमात के तवाबे को भी बयान किया जाएगा तो अब सबसे पहले नसब वाली औरतों का जिक्र करते हैं कि वो कौन सी औरतें हैं जो नसब के ज़रिए मर्द पर हराम होती हैं वह यह हरुम अलाज़क़र मुजक्र पर यानी मर्द हम तर्जुमा करें वैसे मर्द का तर्जुमा मुनासिब नहीं है बल्कि नर का तर्जुमा किया जाएगा यानी नाबालिग लड़के पर भी हराम है ठीक है और बालिग मर्द पर भी हराम है नसब के जरिए औरतों में से नौ किस्म की औरतें वो खूनी रिश्ते की वजह से मर्द पर है वो हराम होती हैं सबसे पहली अल माँ है व इन अलत जितनी भी ऊपर चली जाए भाई जितनी भी ऊपर चली जाए का क्या मतलब वही है ये की जमीर अलत वाले फाइल की तरफ जाएगी कुल्लो इमर वत हो या हिय की जमीर उम की तरफ पलटा है। माँ हर वो औरत है जिसने इस मर्द को जना है जिसने इसको जन्म दिया है या डायरेक्ट इस औरत ने इसको जन्म नहीं दिया लेकिन इन तसब हो इस मर्द का नसब पहुँचता है इलैहा उस औरत की तरफ बिल्वुल के ज़रिए बिलविलादत पैदाइश के ज़रिए लेबिन कान अम्ल उमिन चाहे फिर इसका नसब वो बाप के लिहाज से उस औरत तक पहुँचे यानि दादी या माँ की तरफ से उस औरत तक पहुँचे यानि नानी तो मेरी माँ मुझ पर हराम है माँ की माँ भी हराम है बाप की माँ भी हराम है फिर मेरे नानी की माँ भी हराम है दादी की माँ भी हराम है जितना भी ये सिलसिला ऊपर तक चला जाए तो पहला ग्रुप उन औरतों का जो हराम है वो माँ है और दूसरा जो है क्या है बिनत वो बेटी है वो भी जो है क्या है इंसान पर हराम है अच्छा बेटी सिर्फ हराम है नहीं वो बिनत फिर बेटी की बेटी यानी नवासी भी हराम है वह इन नजलत फिर जितना बेटी का सिलसिला नीचे चला जाए यानी बेटी फिर बेटी की बेटी फिर बेटी की नवासी फिर अपनी नवासी की नवासी जितना भी चली जाए वो भी हराम है तो ये हो गया जनाब दो ग्रुप तीसरा ग्रुप वो बिन तुल इबन अपने बेटे की बेटी यानी पोती पोती भी दादे पर हराम है ना दिलन फिर बेटे की जितनी भी नस्ल आखिर तक चली जाए क्या मत तक बेटे की नस्ल इस पर जो क्या हो, हराम है वो हुमा। भाई ये जो है क्या है बेटी की बेटी और बेटे की बेटी का कोई कानून बता दे फरमा दे मन तब हो हर वो लड़की के जिसका नसब ख़त्म होता है इस मर्द की तरफ बेतवलुद तवलुद के जरिए यानी औलाद के सिलसिले के ज़रिए वलो वे यानी डायरेक्ट इसकी अपनी औलाद हो औलाद की औलाद हो फिर इस तरीके से बढ़ा ब, बढ़ाते जाए ठीक है तो ये हो गई जनाब तीन औरतें जो नसब के ज़रिए मर्द पर हराम हैं वक्त भन भी हराम है व बिनतलुत भांजी भी हराम है पर फिर भांजी की बेटी भी हराम है, फिर इस तरीके से नीचे चले जाए वही कुल लो उम्र अतिन इमरा अतिन ये बहन कौन होती है हर वो औरत वलदहा अबवा हो जिसको जन्म दिया है इस मर्द के माँ बाप ने यानी इसकी सगी बहन हो उस औरत का और इसका बाप भी एक हो माँ भी एक हो अहद हम या माँ बाप दोनों एक नहीं है बल्कि बाप एक है माएँ अलग है या माँ एक है बाप अलग है तो भी वो बहन है और इनतहा नसब वाँ यह भेन हर वो औरत है जिसका नसब ख़त्म होता हो बाप की तरफ या माँ की तरफ हिमा या सिर्फ़ बाप की तरफ या सिर्फ़ माँ की तरफ बेतवलुद तवलुद के ज़रिए यानि अगर दूध वगैरह के ज़रिए होता है तो उसका अलग मसला होगा फिलहाल हम नसब की बात पढ़ रहे हैं वह बिनतलाख भतीजी भी हराम है मर्द पढ़ के भतीजी के साथ शादी करें व नज़लत फिर ये भतीजी की औलाद जितनी नीचे चली जाए भतीजी की बेटी भतीजे की बेटी वो भी हराम है फिर भतीजे के बेटी के बेटी भी हराम है कज़ालिक, लिख अबिन कान अमले उमिन चाहे वो भाई मेरा बाप की तरफ से भाई हो या मेरे माँ की तरफ से भाई हो और लह या उसका बाप और मेरा बाप एक उसकी माँ और मेरी माँ एक बोला फुफ्फी के साथ पुप्पो के साथ भी शादी करना हराम है ये फुफ्फो किसको कहते हैं जनाब ठीक है जाहिर तो यही है कि भाई वालिद साहब की जो बहन है लेकिन कहते हैं यहाँ पर फुफ्फो का दायरा थोड़ा वसी करें वही कुल्लो उनसा फुफ्फो हर वो मोनस है उख तो जकर जो एक मर्द की बहन है वदू जिसने इस मर्द को जन्म दिया है बेवास तैयार हाँ। चाहे वास्ते के साथ उस मर्द की बहन हो चाहे बगैर वास्ते के उसकी बहन हो मैंने जिल अब बाबा की तरफ से फुफी हो या अम्मा की फुफी हो दोनों तरफ से ठीक है अविन या माँ बाप दोनों के लिहाज से मेरे बाप की वो बहन है अब देखें एक ऐसी मेरी फुफी है जो मेरे बाबा की बहन है लेकिन सिर्फ बाप की तरफ से एक फुफी है मेरे बाबा की बहन है माँ की तरफ से और एक ऐसी फुफी है जिसका वालिद और मेरे वालिद का वालिद दोनों क्या है एक हैं और जो क्या है माएँ भी एक हैं वाल खाला खाला के साथ भी शादी करना हराम है दन फ़ीमा अलबत् प्फी और खाला और इनसे ऊपर जितना सिलसिला चला जाना खाला की माँ के साथ फिर प्पी की माँ के साथ या इस तरीके से बढ़ाते जाए लेकिन इनकी बेटियों के साथ शादी करना हराम नहीं है वही है कुल्ल सा भाई ये खाला कौन होती है हर वो औरत ये उख तो उनसा ये एक ऐसी औरत की बहन है व हो जिसने इस मर्द को पैदा किया है जन्म दिया है बेवास्ता और बगैर वास्ताता डायरेक्ट इसकी खाला बनती हो ठीक है या बगैर वास्ते वास्ते के साथ बनती हो या बगैर वास्ते के बनती हो वद तक मिन जहतल अब उखते उम्मिल अब और कभी कभी कोई जो है क्या है जनाब खाला जो है वो बाप की तरफ़ से होती है बाप की तरफ से खाला कैसे होगी का उखते उम्मिल अब बाप के माँ की बहन यानी मेरी दादी की बहन तो वो मेरी बाबा की खाला है तो गया कि मेरी भी खाला है वल मुरादो बद फ़ीमा इस पुफी और खाला के ऊपर जाने वाले से मुराद क्या है अब मतलब बाप की पुपी से भी शादी नहीं कर सकता हूँ माँ के पुफी से भी शादी नहीं कर सकता हूँ वह खालत हिमां बाप की खाला से भी शादी नहीं कर सकता हूँ माँ की खाला से भी शादी नहीं कर सकता हूँ वह अमतलजद वजद्दा ये सिर्फ़ तस्वुर है भाई दादा की पुपी अब उसके साथ मैं कैसे शादी करूँगा उम्र के लिहाज से तो बहुत फ़र्क़ होगा बहरहाल दादा की पुपी दादी की पुपी से भी शादी नहीं कर सकता हूँ वह खालत माँ दादा की खाला और दादी की खाला से भी शादी नहीं कर सकता हूँ वह हा कज़ा लेकिन ला अमतम क्या पुपी की पुपी से शादी करना भी हराम है या खाला की खाला से भी शादी करना हराम है कहते नहीं ऐसा नहीं है फ़ इन ना बेतहक की पुपी और खाला की खाला कदला तकुना महरमत कभी कभी ये हराम नहीं होती हैं चले ये तो मर्द पर जो क्या है हराम औरतें थी औरत पर कौन से मर्द हराम है वह यह हरमर और औरत पर भी हराम है माँ यह हरुमल रजुल जो मर्द पर हराम था यानी बाप पर बेटी के साथ शादी करना हराम था तो बेटी पर हराम है कि बाप के साथ शादी करें ठीक है और इसी तरीके से औरत पर हराम है कि अपने भतीजे के साथ शादी करें अपने भांजे के साथ शादी करें बिल्क्यास यानि उसी तरीक़े के मुताबिक जो बयान हो चुका मुहरमात इन मुहरमात का एक क़ानून हमें बताते हैं जाम लहा। जो तमाम मुहरमात को जो है इकट्ठा कर ले अनहू यह हरुमोसान कुल्ल करीब मर्द पर हर करीबी रिश्तेदार औरतें हराम हैं अदा ओलादिलूमा वलखला सिवाये अमूमा का मतलब ये है चचा की औलाद यानि चचा की बेटियाँ भी हलाल हैं भूपे की बेटियाँ भी हलाल हैं फिर खला ये मामू और खाला दोनों के शामिल हैं उनकी भी औलाद हलाल है इनके अलावा सब रिश्तेदार उस पर हराम चलते हैं जनाब दूध पिलाने वाले की तरफ कहते हैं दूध पिलाने के ज़रिए हराम हो जाती हैं वो औरतें जो युम बे जो नसब के जरिए हराम थीं रत दूध पिलाने के लिहाज से जो तुम्हारी माँ है वो तुम पर हराम है, वो कौन सी होती है? ये का हर वो जिसने तुझे दूध अपना पिलाया था और या इसने दूध नहीं पिलाया था लेकिन रुझू करता है नौत का नर्जात जिसने तुझे दूध पिलाया यानी जिसने तुझे दूध पिलाया था ये औरत उसकी माँ है तो गोया कि तुम्हारी नानी हो गई और साहेबलब या जिस मर्द का दूध था यानी जिसकी बीवी का आपने दूध पिया है उस मर्द की माँ भी तुम्हारे लिए हराम है अलह मिल जाएगी इमरात की तरफ और अर्ज मन यर्ज और नसबों का अलह है या जो है क्या है तुम्हें दूध पिलाया है एक ऐसी औरत ने कि तुम्हारा नसब जो है क्या रुझू करता है एल उस मर्द की तरफ मिन जक्र न सासा चाहे तुम्हारा रिश्ता उसके साथ जो है क्या हो मुजक्र के लिहाज से लगता हो चाहे मोनस के लिहाज से व इन अला जितना ऊपर चला जाए यानी दूध पिलाने वाले की माँ दूध पिलाने वाले की दादी दूध पिलाने वाले की नानी ये सब तुम पर जो है क्या वो हराम है कम मुरजे अत अहद अब या किसी औरत ने तुम्हें दूध नहीं पिलाया था अहद अब तुम्हारे बाप को दूध पिलाया था तो वो औरत तुम्हारे लिए क्या हो जाएगी दादी तुम्हारे माँ को दूध पिलाया था वो तुम्हारी क्या हो जाएगी नानी और औ अजदादक या कोई ऐसी औरत है जिसने तुम्हारे दादा और नाना को दूध पिलाया था अजदाद दादा नाना और जद्दा तक दादी नानी को दूध पिलाया था वह अख तो इस दूध पिलाने वाली की बहन खालतों का वह तुम्हारी खाला हो जाएगी ठीक है मन रजा आते अलबतः नस्ब वाली खाला नहीं दूध पिलाने वाली खाला वह अख़ू और दूध पिलाने वाले का भाई खालो का तुम्हारा मामा हो जाएगा वो अबू हा दूध पिलाने वाले का बाप जद्दो का तुम्हारा नाना हो जाएगा कम अन इबन मुरज अतिक अखुन जैसे दूध पिलाने वाले का बेटा तुम्हारा क्या होगा भाई वह बिन तो है दूध पिलाने वाले की बेटी उख्तन तुम्हारी बहन हो जाएगी इला आखिर अहकाम नसब नसब के आखिरी अहकाम तक आप चले जाए अच्छा ये तो यहाँ तक हो गया वाल बिन तो तुम रजा अच्छा दूध के ज़रिए कोई आपकी बेटी बन सकती है जी हाँ मसलन मेरी शादी है मुझे अल्लाह ने औलाद दी है तो कोई मोहल्ले की लड़की ले आए कि इसको भी आपकी बीवी दूध पिलाए अगर उस लड़की को मेरी बीवी ने दूध पिलाया तो वो लड़की जो बाहर रहती अब वो मेरी बेटी हो जाएगी लेकिन वो मेरी बेटी रजाई होगी वाल बिन तुम तो रजा रजाई बेटी कुल्लु उन हर वो मोन से रजात में लबन जिसने तुम्हारा दूध पिया है औ लबन मन वलदत हो ओ लबन मन वलत हो या तो यूँ कहें इस औरत ने किसी ऐसे का दूध पिया है जिसको तूने जन्म दिया है तुम्हारी बेटी का दूध पिया है तुम्हारे बेटे का दूध पिया है औ अर्जहा वलदत हा या इस लड़की को एक औरत ने दूध पिलाया है जिसको तूने पैदा किया है वाप इसी तरीके से इस दूध पीने वाली लड़की की बेटियां भी तुम्हारी नवासियां हो जाएंगी मैंने नसब वरजा वलमात वल अम्मात, वल खालात और इस दूध पिलाने वाले की जो पुपियाँ हैं और दूध पिलाने वाले की जो खालाएं हैं वो अख़वातुल अखवा वल वलमजाब अच्छा पुपियाँ कौन सी होंगी जो इस मर्द की भहने हैं और खलात कौन होंगी जो दूध पिलाने वाले की भनी हैं भहनें हैं वह अखवा मिन वलद हिमा मिन नसब वरजा और वो भेने जो फिर इनके जो है क्या है वो औलाद की भेने हैं नसब के ज़रिए या रजा के ज़रिए वक़ाकुल्लोम्रता अर्ज था वाहिदत मिन जद्दा तक और इसी तरीके से तुम्हारी जो है क्या है वो भेने हो जाएंगी उस औरत की जो है क्या हर वो औरत अर्जात था जिसे दूध पिलाया है तुम्हारे दादी या नानी में से किसी और एक ने और अतब लबन वाहिद मबिन अजदादक या तुम्हारे दादा नाना की कई सारी बीवियाँ थीं तुम्हारी नानी ने दूध नहीं पिलाया लेकिन तुम्हारे दादा नाना की किसी और बीवी ने इनको दूध पिलाया है मैंने नस्ब व रजा है चाहे वो नसब के जरिए तुम्हारे दादे के साथ रिश्ता उसका जुड़े चाहे रजा के साथ व बना तिल वो बना तो लख्त वो बना तो औलादुलर्ज आ और उस दूध पिलाने वाले के भाई की बेटियाँ ठीक है जनाब जो दूध के जरिए आपका भाई बनाए उसकी बेटियाँ और जो दूध के ज़रिए तुम्हारी बहन बनी है उसकी बेटियाँ वो बना तो औलाद औलादमरज़ा और ख़ुद दूध पिलाने वाले की बेटियाँ ठीक है वफहल मिन रज़ा व नसब और उसका वो शोहर ठीक है ये सब आपके रिश्तेदार हो जाएंगे रजाई तरीके से और कहीं अगर नसब मिलता है तो नसबी ज़रिए से भी आपके भाई बहन बन जाएंगे वजाकुल्ल उन अर्जात हा उतुका और इसी तरीके से हर वो लड़की जिसको तेरी बहन ने दूध पिलाया है तो वो फिर तेरी क्या हो जाएगी भांजी हो जाएगी वो बिन तो उखते क वो तेरे भे, बहन की बेटी होगी वो बना तो कुल्ले जकर और हर लड़के की बेटियाँ अर्जत हो उमुक जिस लड़के को तेरी माँ ने दूध पिला वो भी तुम्हारे लिए महरम है क्योंकि वो तुम्हारी भतीजियाँ हो जाएंगी अबिरतज बेलबन अभी का या वो जनाब मुजक्कर जो तेरा नसबी रिश्तेदार नहीं है उसने तेरे बाप का दूध पिया था अब उसकी औलाद भी तेरी भतीजी हो जाएगी तो इस हवाले से बहरहाल ये ज़रा पेचीदा रिश्तेदारियां थीं तो इन पर तवज्जो करने की ज़रूरत है आले वाल